हेलो माय क्यूटी क्यूटी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं हूँ एकदम बिंदास मस्त। अभी अभी मैं बच्चों को छोड़ कर के आई हूँ स्कूल के लिए। अब तो जान रहे गर्मी बढ़ती जा रही है, तो स्कूल का जो टाइमिंग है वो और सुबह की तरफ होता जा रहा है और दिन की तरफ से घिसकता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो दोपहर की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो अभी उसकी तैयारी कर रही थी और फटाफट मैंने आलू उबाल लिया है और आज मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और चावल। तो यहाँ देखिए मैंने आलू उबाल लिया, एकदम अभी गर्म है। इसका पानी मैंने ड्रेन करके रख दिया कि ठंडे हो जाएंगे, तो इसको छील के रख दूँगी। और अभी मैंने चाय नहीं बनाई है, तो अभी मैं बनाऊँगी चाय और उसके बाद पीऊँगी। तो मैंने कहा आलू जब अच्छे से उबल के जब ठंडे हो जाते हैं ना, तो बढ़िया से उसके पीसेस कटते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। और अगर किसी को खाना होगा तो रोटी बनाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल। दाल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। किसको किसको दाल नहीं अच्छी लगती है मुझे कमेंट में बताइएगा। कभी कभी अच्छी लगती है, जैसे फ्राई कर लिया तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसे बिल्कुल भी रेगुलर डेज में दाल, हाँ बच्चों के लिए बना देती हूँ, हस्बैंड के लिए भी बना देती हूँ, लेकिन खुद अगर मुझे कोई खाने के लिए कहेगा तो मैं नहीं खा सकती। तो मैं सब्जी चावल बना रही हूँ और इस सब्जी के साथ तो पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पूड़ी अभी नहीं बन सकती क्योंकि माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो कढ़ाई वगैरह नहीं रखना है, तो चावल ही सब्जी बनाते हैं और एकदम मज़े।